वेलकम ऑल ऑफ यू। हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? यस, मैं एक बार फिर से यहां पर आपके साथ जुड़ चुका हूं इस प्लेटफॉर्म से। एंड की घड़ियों में मैं आपके साथ निभाने यहां पर आ चुका हूं। यस, माई सेल्फ रोहित मालो। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी और आगे भी प्रैक्टिस करनी है। यस, हमारे पास कुछ चंद महीने और हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म से आपको जुड़े रहना पड़ेगा। माई सेल्फ रोहित मालो, योर फिजिक्स टीचर। यहाँ से एक बार फिर से जर्नी हमारी चालू हो रही है गाइस। ओके, तो इस प्लेटफॉर्म पे जो कि है लेट्स क्रैक नीट यूजी से आप जुड़ चुके हैं और यहीं पे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। फिजिक्स के अंदर मैं ध्यान रखने के लिए आपका यहाँ पर हूँ और आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हाँ या ना बोल, बिल्कुल सही है, नहीं छोड़ कर जाएंगे। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं, मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से। 8 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, नीट में और आईआईटी में काफ़ी हजारों में बच्चे मैंने निकाले हैं, पार करवाए हैं। मेरा 8 साल का जो तजुर्बा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं गाइज। ओके, तो चलिए बिगिन करते हैं आज का ये जो हम बोल सकते हैं वीडियो। किस पर बेस्ड है कि आपके वो 35 टॉपिक्स, वो 35 क्वेश्चंस कौन से हैं? अगर मैंने वो कर डाला तो लाइव जिंगल डाला बोले तो फिजिक्स हमारी कहीं नहीं जाने वाली है। हम फिजिक्स को संभाल सकते हैं एंड के टाइम में भी, और मैं पूरी मदद करने वाला हूँ कि ये जो 35 क्वेश्चंस हैं ये मिनिमम हमारे सही हो जाएं। इससे ज़्यादा भी सही हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, राइट? तो वो भी प्रिपेयर कराया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आ चुके हैं, नाउ रोहित मालो इज हियर, देन वाई टू फियर? सिंपल सी बात है, फिजिक्स मेरे जिम्मे है, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए, यहाँ पर जो आज हम देखने वाले हैं वो है कंफर्म 35 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। यस, ऑब्वियसली ये जो आपका हाफ एन आवर का जो वीडियो है इसमें सभी क्वेश्चंस मैं बता नहीं सकता, एक आउटलाइन आपको बताऊंगा। और मैं जो नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें ये 35 क्वेश्चंस से रिलेटेड, इस 35 टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोई बोल भी सकता है कि सर 35 क्वेश्चंस वो बता दो हमको जो वो आने ही वाले हैं। यार ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं। मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर हम यहां पर 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वेश्चन हमने कर लिया एंड के दिनों में तो ये मानकर चलें कि ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि नीट के पेपर के अंदर फिजिक्स का जो वो मटेरियल है, उस जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसी से क्वेश्चन आए दोस्तों। और हम आज 2019 पेपर का एनालिसिस भी करेंगे और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के जरिए कि हमको लास्ट की टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से फिजिक्स में कॉन्फिडेंस हासिल कर ले। तो आप इससे वीडियो से एंड तक बने रहना। चलिए, जो लोग नए यहां पर जुड़े हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं अनअकैडमी की, तो मैं अनअकैडमी के बारे में आपको कुछ यहां पर बताना चाहता हूं। लेट्स बिगिन। तो अनअकैडमी वो ग्रेट हम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है जो कि नीट यूजी और भी बहुत सारे हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कराता है दोस्तों। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए आज ही, अगर आपने नहीं करी है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, और आप हमसे जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि इसके इतने सारे फीचर्स हैं कि आपकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, एक लाइव क्लासेस का बहुत ही मजा होता है, आप जानते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ पर होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, और अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस है का मतलब ये हो गया कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, अगर आपको वापस से चीज़ें रिवाइज करनी होगी तो आप वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं। फ्री लाइव क्लासेस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं नीट यूजी के लिए, आप उसको अटेंड करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरीके का अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब चैनल तो ग्रेट बन ही चुका है, लेट्स क्रैक नीट यूजी। यस, वी कैन टुगेदर क्रैक नीट यूजी, लेकिन कहीं ना कहीं पर यूट्यूब के अंदर अगर आपको लगता है डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्लस प्लेटफॉर्म से बेटर और कोई प्लेटफॉर्म होगा ही नहीं आप लोगों के लिए। आप एडुकेटर्स, बहुत सारे एडुकेटर्स अवेलेबल हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं और किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे को सर टॉप फैकल्टी से पढ़ना था लेकिन टॉप फैकल्टी से नहीं पढ़ पाएंगे, क्या ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे। मैं आपका प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छे से नीट यूजी की तैयारी भी करवाऊंगा, तो इसकी भी चिंता होनी नहीं चाहिए, राइट? अब ये यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपके पास एक पेड स्ट्रक्चर है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। 12 मंथ और 24 मंथ जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया आप लोगों के लिए, ऑब्वियसली उनका पर मंथ कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, तो मैं चाहूंगा कि आप 12 मंथ और 24 मंथ ले लें, जो यहां पर हम बोल सकते हैं 1-2 महीने बाद ही यहां पर प्रिपरेशन करके और नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो और कुछ भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। पर मैं अगर 11th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात करूं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको 12 मंथ 24 मंथ का ले लेना चाहिए, काफ़ी किफ़ायती पड़ता है। आप कोड लगा सकते हैं
रोहित 10 याद कर लेना, रोहित शर्मा तो याद होगा आपको, है ना? तो रोहित और आगे 10 लगाने का 10 नंबर, सचिन तेंदुलकर का 10 नंबर ले लो और रोहित शर्मा का रोहित ले लो, ठीक है? ओके, तो ये आप कोड लगा सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो आप अपने पेरेंट्स से जरूर इसके बारे में बात कर लें। चलिए 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 शुरू करते हैं, शुरू करते हैं कि नीट 2019 का पेपर वेटेज क्या था। इससे हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाऊं एंड टाइम पर, कि वो बच्चा जो कि 2 साल से मेहनत कर रहा है, वो बच्चा जो 1 साल से मेहनत कर रहा है, अगर मैं 2-3 महीने के अंदर ही यहाँ पर ऐसी प्रिपरेशन कर डालूं और इस चैनल से जुड़कर रोहित मालव सर के छत्र छाया में बोल सकें या फिर इनके गाइडेंस में बोल सकें, वो क्वेश्चन अगर मैंने कर लिए तो काफी फायदा हो जाएगा। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि एंड में मैं आपकी बहुत मदद करने वाला हूं यहां पर, तो आप इस चैनल से बने रहेंगे, प्रॉमिस। यस, आप चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आप यहां से मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, यानी बने रहना चाहते हैं, राइट? रे ऑप्टिक्स आप देख सकते हैं यहां पर कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का मिलाकर दोस्तों यहां पर 4 क्वेश्चन आया था और ऑब्वियसली ये 12th का टॉपिक है, ये हम जानते हैं। तो रे और वेव ऑप्टिक्स के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताऊंगा। ये सीरीज ऑफ वीडियोस हम यहाँ पर बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी काफी मदद हो जाने वाली है। रे ऑप्टिक्स में पर्टिकुलरली आपका जो लेंस फॉर्मूला है और लेंस मेकर फॉर्मूला है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, और आपका यहाँ पर कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर। वेव ऑप्टिक्स में ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि सर YDSE एक्सपेरिमेंट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंदर पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 क्वेश्चन हमको करने ही है और मैं करवाऊंगा आपको, डू नॉट वरी। मॉडर्न फिजिक्स से सर 3 क्वेश्चन आए थे, ओके, और ये भी 12th का ही टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, और हम बोल सकते हैं कि आपके लाइमन सीरीज, बार्मन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया था मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी देखा जा चुका है। तो मॉडर्न फिजिक्स के मिनिमम 3 क्वेश्चन पक्के हैं, मैंने मिनिमम इसलिए कहा क्योंकि 4 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो क्या हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे और क्या रोहित मालव सर मॉडर्न फिजिक्स की प्रैक्टिस करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो ये पहला वीडियो मेरा आ रहा है इतने टाइम के बाद, वो ये है कि मैं क्या करवाने वाला हूँ, क्या आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ उसके बारे में मैंने बनाया है दोस्तों। और आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि अच्छा, वो वक्त आ चुका है जब मैं फिजिक्स पर भी ध्यान दूंगा और फिजिक्स पे ध्यान देकर मैं अपनी रैंक इंप्रूव कर लूंगा। आप अगर अभी भी इस डिलेमा में हैं कि केवल बायो का पेपर फोड़कर और आप फिजिक्स को नेगलेक्ट करके नीट का यहाँ पर बोल सकते हैं फतेह हासिल कर लेंगे, उसमें तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन टफ है और दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे नहीं पढ़े थे और वो भी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है। यस, कंपटीशन बढ़ रहा है तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हम बोल सकते हैं कि कभी कभी कैपेसिटर का मिलाकर 3 क्वेश्चन यहां पर आना है, ये भी 12th का टॉपिक है। तो आपको दिख रहे हैं कि 12th के जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आनी है, प्रैक्टिस भी करेंगे हम। आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैग्नेटिज्म की जहां तक बात करें, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इससे रिलेटेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंबाइन देखें, तो तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल, क्योंकि 3 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा फेवरेट टॉपिक है और आपका भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन एक ईजी चैप्टर में से आ रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ। और आप ये देख रहे हो कि ये 12th के जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, सब में ही आते हैं। हम 12th के ही वेटेज वाले जो टॉपिक्स है पहले कवर करने वाले हैं, ताकि हम क्या करेंगे, एश्योर कर लें खुद को, हम ये एश्योर कर लेंगे कि यार ये 35 क्वेश्चन में जल्दी से खत्म करता हूँ, वो सर बाकी के 10 क्वेश्चंस का क्या हुआ, वो 10 क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, लेकिन हम 35 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं, अगर हमने वो कर लिए तो क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं हो जाएगा क्या, मुझे बताइए। यस, होना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम अपने दिमाग में 2 चीजें रख सकते हैं, यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट को मैं बाद में कर लेता हूँ, क्या दिक्कत हो गई, पूरा भी कर सकते हो आप इन दिनों में, जो कंप्लीट दिन हमारे बचे हुए हैं इनमें पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए एक परफेक्ट गाइडेंस। परफेक्ट गाइडेंस कौन देगा? ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस्ड टीचर देगा, और आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आपको उसमें एक्सपीरियंस टीचर पूरा गाइड करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, ठीक है, 100% बोल सकते हैं। सर्कुलर मोशन जैसा चैप्टर जो कि हम बोल सकते हैं इजी सा है, 3 क्वेश्चन पूछ लिए यार, बताओ 3 क्वेश्चन, ये 11th का वो टॉपिक है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सर्कुलर मोशन और रोटेशन के मिला के 5 क्वेश्चन किसको कहते हैं। अच्छा इसके अंदर ना आप मुझे बताओ कि कितने लोग रोटेशन से डरते हैं सर, रोटेशनल मोशन सर, मतलब इतना एक तो बड़ा चैप्टर है और बीच में ही खो जाते हैं हम तो रोटेशन मोशन के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं रोटेशन मोशन के कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यानी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितना टफ पढ़ना है कितना इजी पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता लगेगी एंड के दिनों में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्त, ओके बेल आइकन भी दबा देना। चलिए तो ये थी हमारी पहली स्लाइड जिसके ऊपर हमको पता लगा कि करीबन हमारे 7 चैप्टर्स में से इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार आंखें खुल गई होंगी कि अच्छा ये सब कुछ हमको करना है, कौन करवाएगा, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को हम करवाएंगे, डू नॉट वरी। 8 2019 पेपर का जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है थर्मोडायनेमिक्स और KTG, जो कि बहुत बड़े चैप्टर है लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए 2019 के पेपर में, केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेमीकंडक्टर जैसा चैप्टर जो कि बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, इसके अंदर केवल हमको डायोड के बारे में बात करनी है, इसको हमको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करनी है, 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ये पक्के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ग्रेविटेशन जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, यस एक करंट इलेक्ट्रिसिटी आया और ग्रेविटेशन, वैसे पूरी फिजिक्स ही मेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ऑब्वियसली मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, है ना। तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करें तो ग्रेविटेशन इज अ इजी चैप्टर, इजी बना देते हैं हम, ठीक है, और इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कि आपको पता है कि ग्रेविटेशन के फॉर्मूले और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले जो पोटेंशियल के होते हैं जो फील्ड के होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यस पता होगा अगर पढ़ लिया होगा तो, अगर नहीं पता है तो हम आपको सभी फॉर्मूले रिवाइज करवाने वाला हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन भी रखूंगा इस महीने के अंदर जिसके अंदर हम फॉर्मूले खटाक से रिवाइज करेंगे, मतलब कि जोरदार सेशन होने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड, और आपको बने रहना पड़ेगा एनर्जी के साथ, आपकी एनर्जी इक्वल टू मेरी एनर्जी और मेरी एनर्जी इक्वल टू आपकी एनर्जी अगर हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, फिजिक्स को फन के साथ पढ़ लेंगे हम, ठीक है, ओके। SHM is also one of the important topic, आपको पता है, और काफी लोगों को SHM में कंफ्यूजन सा भी रहता है कि सर मेरे को इसमें पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह कभी कभी पता नहीं लगते, तो यस वी विल बी रिवाइजिंग दीज थिंग्स ऑल्सो। आपको सामने वेटेज तो ये पता लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म अलग अलग है, ओके ओके। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी 2 क्वेश्चन, फैराडे लॉ, लेंज लॉ से रिलेटेड बात होती है, कभी कभी ट्रांसफॉर्मर के भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ ये तो आपको पता ही है। वेक्टर का 1 क्वेश्चन आना है, रिलेटिव का 1 क्वेश्चन आना है, तो आप ये देख सकते हैं कि रिलेटिव मोशन जो इतना बड़ा चैप्टर है अगर उसके अंदर वो 1 क्वेश्चन आप नहीं भी करते हैं, मैं टॉप 35 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नहीं भी करते हैं तो चलेगा, पर देखते हैं कि हम रिलेटिव और 1D को साथ में कर सकते थे क्या, यस हम यहाँ पर इसको साथ में भी कर सकते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन आना है, एरर से 1 क्वेश्चन आने वाला है, फिक्शन से 1 क्वेश्चन आएगा, वर्क एनर्जी पावर से 1 क्वेश्चन आया है, एलएलएम से 1 क्वेश्चन आया, सर इतने बड़े बड़े चैप्टर से 11th के अंदर तो पूरा साल भर इसमें निकाल दिया, यही तो बात है, ये कहीं ना कहीं पर खामी भी होती है इंस्टीट्यूट की, ये कहीं ना कहीं पर हम बोल सकते हैं कि शुरुआत में स्लो इसलिए चलाते हैं ताकि आप इन चीज़ों को ग्रैप कर सके, क्योंकि अगर आप ABCD ही नहीं सीखोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। पर आप मुझे पता है एग्जाम में ABCD आती थी क्या, नहीं ना, वहाँ पे तो सेंटेंस मेकिंग आएगी, वहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगे, तो ये जो इजी टॉपिक्स है ना शुरुआत वाले जो टॉपिक्स थे जैसे एरर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, NLM, इनसे 1-1 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कोई इसको बाद में कर ले तो ठीक है ना, यस तो हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिससे कि हम बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकें और एंड में हमारे ऊपर प्रेशर भी कम हो, मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाए फिजिक्स के अंदर, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड में, मार्क माय वर्ड्स, एंड में कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जब एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे पास कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, कितने क्वेश्चन सही करके आऊँगा। ये स्ट्रेटजी अगर आपने नहीं बनाई तो फिर आप तो प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो फिर तो आप नीट की, ठीक है, लेकिन हम करेंगे, मिलके करेंगे, बने रहना पड़ेगा चैनल पर। तो ये सब चीज़ें आपके सामने है। देखो आप सेंट्रोमास कोलिजन से काफ़ी बच्चे डरते हैं, जैसे सेंट्रोमास इतना बड़ा चैप्टर है, कोलिजन इतना बड़ा चैप्टर है, 1 क्वेश्चन उसका आया, इसको बाद में करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करेंगे, डो नॉट वरी। थर्मल एक्सपेंशन ईजी सा छोटा सा चैप्टर है, वैसे तो साथ के साथ भी किया जा सकता है, पर मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा और वो स्ट्रेटजी अभी आपके आंखों के सामने आने वाली है, ठीक है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा दोस्तों। चैप्टर नेम में अगर देखें हम, इलास्टिसिटी से 1 क्वेश्चन आया है, फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन आया है, फ्लूइड मैकेनिक्स जिससे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ये हमको कोचिंग में ढंग से नहीं पढ़ाया गया क्योंकि ये एंड का चैप्टर है,
आया ना बोल, है ना। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा कोचिंग्स में होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स को एकदम से कटाक से इधर से उधर ले जाते हैं और हवा ही नहीं लगती। वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो किस चीज की चिंता करनी है, किसकी नहीं करनी है, वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अभी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, ये भी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं क्या करूंगा, उनको देखूंगा। यस, और एक एक करके एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं है हर एक बच्चा हमारे लिए स्पेशल है। अगर आप हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो कमेंट्स जरूर करो। इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, तो एक ग्रुप भी हमारा बन जाएगा, एक फैमिली हमारी बन जाने वाली है। ओके, कैपेसिटर जो कि इतना बड़ा चैप्टर है, उससे केवल एक क्वेश्चन आया है। सरफेस टेंशन हालांकि छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब वेव्स वगैरह हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, एसएचएम से रिलेटेड कभी चीजें रिवाइज करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्क्लूजन क्या है, कॉन्क्लूजन ये है। और अगर 11th क्लास के बच्चे भी यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कॉन्क्लूजन आप देखो, कॉन्क्लूजन है कि 23 क्वेश्चंस तो 11th से आने वाले हैं। अब यही तो बात है, अब तुम मुझे ये बताओ कि हम क्यों बोलते हैं कि 2 महीने का आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लें, पूरे साल भर का ले लें, ताकि आपकी 11th और 12th साथ में हो जाए, ठीक है। लेकिन जो भी अभी टारगेट है, अभी हम बोल सकते हैं 2 महीने के अंदर हम पेपर देने वाले हैं, तो सर उसके अंदर की क्या बात है, तो उसका रिविजन तो हम चला ही रहे। लेकिन आप कम से कम अपने जूनियर्स को तो बता सकते हैं, 11th क्लास वाले बच्चों को बता सकते हैं कि यार टाइम से आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया करो, टाइम से इतना लेट क्यों होते हो, टाइम से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी, तो आप ये देख सकते हैं कि घर पे रह के पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं। गॉट द पॉइंट? यस, ओके। तो अगर 50% यहाँ पर आपका 23 क्वेश्चन जो 50% 11th क्लास में, जस्ट अ मिनट गाइज, यस हेलो, सो वी आर बैक अगेन, देयर वाज सम डिसरप्शन इन द कनेक्शन। ओके नाउ, तो 50% यहां पर ऑलमोस्ट 11th का आने वाला है, 50% हमारा ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड का आने वाला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि काफी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं गाइस। यस, ओके, डन। तो ये हमने नीट पेपर का एनालिसिस कर लिया है, नीट का हमने पेपर का एनालिसिस कर लिया कि 50-50% से यहाँ पर टॉपिक आते हैं। सर सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा, 12th के बताऊंगा। मैं वैसे 12th के पहले लेना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि कौन से पहले लेना चाहते हैं। तो 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो स्टैटिक्स जो हो गया है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, यहाँ पर टोटल मिलाकर आपके 7 चैप्टर्स होंगे, और आपके 11th के अंदर भी हम यहाँ पर 7 चैप्टर्स लेने वाले। ओके गाइस, तो 11th के भी 7 चैप्टर्स और इसके भी 7 चैप्टर्स टोटल मिलाकर कितने हो गए सर? टोटल मिलाकर 14 चैप्टर्स हो गए। और असल में फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? असल में टोटल मिलाकर 25-26 चैप्टर, यानी हमने रिड्यूस कर दिया। हम ये देखने वाले हैं कि जो टोटल मिलाकर यहाँ पर जो सामने आपके जो क्वेश्चन होंगे, वो 11th और 12th के मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 3, अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं तो टोटल मिला के जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, प्लस अगर हम 12th के यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3, 2 और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, इन सबको ऐड कर लें तो 35 क्वेश्चंस बनते हैं। और ये 35 क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए और आपने सर हमको इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करवा दिया, तो अच्छा नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, राइट? तो आर वी रेडी, क्या हम यहाँ पर तैयार है, क्या हम तैयार हैं कि 12th के क्लास के और 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर YouTube पे पढ़ने के लिए तैयार हैं, इस ग्रेट चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर पढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना बोल, हाँ ही निकलेगा अंदर से, हाँ निकलना चाहिए बिल्कुल। चलिए अब मैं एंड के टाइम में आपसे एक चीज ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। रोहित मालव सर, वाई यू आर हियर? आई एम हियर टू हैव अ सीरीज ऑफ दोज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ताकि आप ये मिनिमम अगर करके चले जाएंगे यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंस हम लेकर जाते हैं वही हमको सक्सेस दिलाता है। एक एग्जाम्पल, सिंपल सी बात, यार कोई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करना चाहती है टीम इंडिया, और वो प्रैक्टिस करना ही बंद कर दे और बोले कि नहीं हम तो ख्वाबों में ले आएंगे भाई, वर्ल्ड कप तो क्या है, ठीक है, ऐसे हम तो नंबर 1 टीम है, ऐसा नहीं होता है।
हम जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो स्मार्टली पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एंड में भी अपना ये ध्यान रखते हैं कि मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊं। देखो जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम वैसे कम है, मैं आपको ये बता दूं। आपकी एक स्ट्रेटजी बोलनी चाहिए, मेरे को ये वाली बुक कंप्लीट करनी है, मेरे को ये वाले जो सर एग्जाम्पल्स देने वाले हैं उनको कंप्लीट करना है, इसका ये वाला फॉर्मूला मेरे को एक पेपर में लिख लेना चाहिए, ताकि एंड के लास्ट हफ्ते में आप सोचो कि लास्ट हफ्ते में हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। लास्ट हफ्ते के अंदर हम इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि केवल हम शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी मोटे मोटे हम यहाँ पर रजिस्टर खोल कर बैठे हुए हैं, नहीं। इसलिए इसलिए जरूरी है कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, एक ये स्ट्रेटजी बनाई जाए कि भाई फिजिक्स का पेपर जब मैं नीट में जाऊंगा तो भी कैसे अटेम्प्ट करूंगा, और उससे पहले क्या मुझे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो वो आप अपनी स्क्रीन के सामने यहाँ पर दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए यू मस्ट प्रिपेयर फिजिक्स वेल। ऐसा नहीं है, अगर आपने फिजिक्स को नेग्लेक्ट कर दिया है आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। यस मैं अभी कह रहा हूँ, अभी गारंटी दे रहा हूँ आपको, जो बच्चे फिजिक्स के अंदर 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, 15-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, ओवरऑल पूरे के पूरे आपके पेपर में से उनका नीट में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसलिए आपको फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सर कौन कराएगा? सर एंड टाइम पर, 2 साल तो मैंने ढंग से पढ़ी नहीं, एंड टाइम पे कैसे होगा? एंड टाइम पे हो जाएगा क्या? देखो अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन लेवल रखा, खुद पर यकीन रखा, और यहाँ पर जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर आपने मेहनत कर ली, साथ में बायोकेमिस्ट्री को बैलेंस कर लिया, तो आपकी सक्सेस तो एंड में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हैव इनफ टाइम, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो चुका है। नाउ जैसे दैट इज द रूल नंबर वन कि आपको फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी ही। कितनी प्रिपेयर करनी है? अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है या फिर हम बोल सकते हैं कि कम पढ़ी हुई है, आप केवल 10 क्वेश्चन ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो आपको 10 का 25 कैसे बनाना है वो हमारे साथ में समझ में आएगा। अगर आप 20 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह से वो 35 बन जाएंगे? तो 35 के जो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं वो यही तो है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हम कर लें। तो वो मैं आपको यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिस साथ में करवा दूंगा, है ना, हल्की फुल्की थ्योरी, ताकि नोट्स वोट्स भी बन जाए और फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस भी कर लें, तो इस तरीके से किया जा सकता है। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन भी तो बच रहे हैं सर, वो टॉपिक्स भी बच रहे हैं, बात सही है, लेकिन हम जल्द से जल्द ये 35 कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन 10 टॉपिक्स पे भी आ जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते हैं, सेकेंड पॉइंट इज ओवर हियर कि गेन द कॉन्फिडेंस ऑन फिजिक्स। फिजिक्स पर कॉन्फिडेंस हासिल करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि भाई एक बार फिजिक्स कंप्लीट कर ली और फेंक दिया, फिर उसके बाद रिवाइज नहीं कर रहे, नहीं। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज मस्ट अगर आपको किसी भी मैच के अंदर जीतना है। यस नीट हमारा एक मैच है, अगर उसमें हमको जीतना है तो हमको कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा, ये आपको पता ही है। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और वो केवल एक तरीके से हो सकती है, वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए दोस्तों, तो आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो जाएगी। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं लगातार टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की, पर मेरी मिस्टेक्स कम हो ही नहीं रही है ना, मैं बहुत सारे एरर्स बना रहा हूँ, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जा रही है मेरी, तो ये सब कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे रिलेटेड डाउट्स टाइम टू टाइम पूछें। डाउट्स के लिए ऑब्वियसली यूट्यूब इज़ नॉट दैट प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर आप डाउट पूछेंगे, तो आप प्लस प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एंड के घड़ियों में आप ये ना सोचें कि भाई ये जो है यहाँ पर मेरे को एडिशनल पेमेंट देनी पड़ेगी, मुझे एडिशनल ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो बिना सब्सक्रिप्शन के, बिना आपने चीज़ों को सब्सक्राइब करे, केवल अकेले अकेले पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है, तो नुकसान किसका होगा? कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स से बात कर लें, अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ और आपको पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल टच भी दे सकता हूँ इफ़ यू वॉन्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर पढ़ने सकते, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, कई लोगों को यूट्यूब पर पढ़ना भी अच्छा लगता है, कई लोगों को यूट्यूब पर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, देखिए ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ यार अवॉइड करो मिस्टेक्स, खत्म, यहीं पे खत्म हो गई बात, है ना। और वो कैसे करेंगे? सर प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर खोजा करो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, फिर मैं अगली बार इसमें वो वाली गलती नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और स्पीड का भी थोड़ा बहुत बैलेंस बना के रखना पड़ता है, वो स्पीड भी तभी आती है जब हम प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाकर आपकी स्पीड बनती है। फोर्थ पॉइंट जो कि मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तब की बात बता रहा हूँ, तो इससे पहले क्या चीज़ें, इससे पहले वो चीज़ें जो कि हमको बिफोर हैंड प्रिपेयर करनी है बिफोर पेपर, ठीक है। बिफोर पेपर अगर मैं बात करूंगा तो बिफोर पेपर मेरे को कॉन्फिडेंस हासिल कर लेना है, अपनी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि मेरे को
मिस्टेक्स कम से कम हो, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि मैंने आज 35 क्वेश्चंस आपको दे दिए, 35 क्वेश्चंस मान लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन पे 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, कहने का मतलब हर एक टॉपिक पर जो 35 टॉपिक्स आने वाले हैं उन पे हर एक पे मैंने आपको 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, आपकी प्रैक्टिस हो गई और वो के वही आ गए, तो क्या गारंटी है कि आपके वो पूरे सही हो जाएंगे? सर वो प्रैक्टिस करने पर होगा, बिल्कुल सही बात। और अगर ऐसा हो गया मैं तो बोलूंगा कि ये चमत्कार भी है, लेकिन 90% मैं बोल सकता हूँ जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पर, आपकी जो सीरीज चलाएंगे 300-400 क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके अंदर से ऑलमोस्ट 90% आपके सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे, आई कैन गारंटी। तो आप यहाँ पर बने रहना, मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस फालतू नहीं जाएगा और आपके काम आएगा, बस मैं इतना चाहता हूँ। ठीक, बी ए स्मार्ट स्टूडेंट यार, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं किसी ने पेपर दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 से चालू हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक, हमको पहले एक बार 1-2 मिनट पेपर का स्कैन कर लेना होता है, और जैसे ही कोई इजी क्वेश्चन पकड़ में आते हैं उसको हाथों हाथ पकड़ कर वहां पर मार दो। ठीक है, जैसे इजी मिले, अरे तुम भी इजी हो, चटाक, उधर इजी मिला उसको चटाक, कहने का मतलब अगर हमारे नोट से ही क्वेश्चन आ गया और हमारे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो हम उसको पहले कर लेते हैं। ये चीज होती है कि स्मार्ट स्टूडेंट की बात, जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता है, स्टूडेंट बी बाय अटेम्प्टिंग द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, सिंपल सी बात है, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट ताकि इजी क्वेश्चन आप यहाँ पर पहले कर सकें। ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 टफ आ गया उसमें सर मैं तो फंस गया था और उसके अंदर मैंने 10 मिनट खराब कर दिया, यार ऐसा थोड़ी ना। फिर तो क्या मतलब रहा, तुम मतलब 21st सेंचुरी में पैदा नहीं होने चाहिए थे फिर तुम, है ना, लेकिन तुम यहाँ पर हो, और सिंपल सी बात है कि हम स्मार्टली यहाँ पर पढ़ाई कर लेंगे, ऑब्वियसली इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप इजी क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं दोस्तों तो इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। और फिफ्थ पॉइंट, ये तो अपने आप आएगा, फिफ्थ पॉइंट अपने आप आएगा, क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन तभी रख पाओगे जब आप अच्छे से ये 4 स्टेप्स बहुत तरीके से, क्योंकि अगर आपने शिद्दत दी है किसी पे, मतलब बिल्कुल फोकस करके आपने पढ़ाई करी है कि यार मैंने फिजिक्स में जान लगा दी, तो ऑब्वियसली जब फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिक होगी। और सिंपल सी बात है कि आपको रेस्ट भी रखनी चाहिए, ठीक है, रेस्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई कल पेपर है, रात को लगे पड़े हैं, दो दो तीन तीन बजे तक रिवाइज कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, अभी आँख खोल लो, अभी तो ऐसा नहीं है कि कल पेपर है, राइट, अभी आँख खोलकर ये देख लो कि अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अभी शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, अभी मैं यूट्यूब में से ये क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ जो कि आरएम सर की क्लास होने वाली है, तो आप सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेना ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स इट गाइज, यस, यहाँ पर अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपने पास एनर्जी रख सकता हूँ आपको पढ़ाने की, मुझे तो नीट का एग्जाम नहीं देना, पर मेरे अंदर एनर्जी की, मेरी एनर्जी से, मेरे क्वेश्चन से, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से किसी बच्चे का भला हो जाए, बस यही चाहिए मुझे। ठीक है, अब सब ये सब इधर पैसे वैसे का सब मोह माया सब दूर हो चुका है, केवल अब यहाँ पर है हेल्प करने के लिए आप लोगों की, यहाँ पर हम आते रहते हैं। ओके गाइस, तो चलो मैं अलविदा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, और आप अपना ध्यान रखोगे, सिंपल सी बात यह है, लॉकडाउन में बाहर ना निकलें बार बार और मस्ती ना करें। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, कोई ग्रीन जोन भी आपका हो जाता है, तो अननेसेसरी अभी आप घर से बाहर नहीं निकले। आई होप कि आप सेफ रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और अब जब हम यहाँ पर जुड़ ही गए हैं साथ के अंदर साथ में, तो काफी मजा आने वाला है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से एक बार वापस जुड़कर। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर आपको मेरा पर्सनल टच चाहिए तो आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक बुरा है, कौन सा टॉपिक आपको पसंद नहीं है, या फिर सर मुझे समझ में नहीं आता, और कौन सा अच्छा है ये भी बता सकते हैं, जिससे मुझे एक आइडिया होगा कि कौन सा टॉपिक पहले लेना चाहिए। वैसे तो 12th स्टैंडर्ड हम पहले देना चाह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, इससे रिलेटेड हम बात करें, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और 11th के अंदर भी ऑब्वियसली हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी साथ में लिए जाएंगे। टोटल मिलाकर 7+7 जो टॉपिक्स, 14 टॉपिक्स में लूंगा, उसमें 35 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और टोटल मिलाकर देखा जाए तो 26 चैप्टर्स हैं, यानी कि जो 12 आपके अलग से चैप्टर्स बचे हुए हैं उसमें से टोटल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन। तो देखो, 12 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन और 14 चैप्टर में से 35 क्वेश्चन, तो आपको ये स्मार्टली ही तो यहाँ पर मैं रिवाइज कराने के लिए आया हूँ। ओके गाइज, तो आई होप कि आप यहाँ से जुड़े रहेंगे और हम साथ में बहुत खास तरीके से मिलकर पढ़ाई करेंगे। एंड के टाइम में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रख लेना, और हाँ ये तो बताना भूल ही गया कि हम SRK वापस आ चुका है, हाँ, और हम साथ में मिलकर तबाही मचा देंगे, फन फन लविंग होने वाला है आपका फिजिक्स का लेक्चर। हाँ, सेनोरिटा, हाँ, ओके ओके, नाइस।
और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोहित 10 कोड लगा देते हैं, 10% का एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स क्रैक नीट यूजी से आप यहाँ पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो मजा आ जाएगा और आपके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम एंड लर्न ऑनलाइन, ऑब्वियसली क्योंकि ऑफलाइन के अंदर अभी क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो आप ऑनलाइन लर्निंग कंटिन्यू रखें दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।